अगर ऐसी जगह आप लोगों को घूमना है तो आ सकते हो घूमने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है छोटे? बस बढ़िया लग रहा है भाई। इससे मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है यहाँ का सीन जो भी है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देखने में। जिसको आना है तो यहाँ पे आके संपर्क करें। मोबाइल नंबर बोलूँ? 9939308757119। यहाँ पर आकर इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल शूटिंग करने के लिए आए हैं, तो हमारी हीरोइन अभी आ रही है, रेडी हो रही है। तो हीरो यहाँ पे हमारे खड़े हैं, मिस्टर सागर, काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं, देख सकते हो, काफ़ी हैंडसम लग रहा है लड़का, पूरा क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। मिस्टर सागर इज़ वेरी हैंडसम लुक, आने वाले टाइम पे सुपर स्टार तो मेरा कोसे बन जाएगा, ऐसे मेहनत करेगा तो बन जाएगा भाई, देख सकते हो पूरा हीरो लुकिंग लुकिंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे शूटिंग करके? बहुत मेहनत करके चढ़ के पहाड़ आए हो आप। बहुत सर थक गया हूँ, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, देखिए कितना ऊंचा पहाड़ पे आया हूँ चढ़ के। भगवान इनको सफलता दे इनके काम को। आप जैसे कोरियोग्राफर का सहयोग हो तो हम जैसे एक्टर अच्छे मेहनत करते हैं और अच्छे से और स्टेप अच्छे से करते हैं। नहीं यार, हम तो चाहते हैं अच्छे से वर्क करें। अच्छा, सोच एक कोरियोग्राफर का होता है जो आपका है और वो आपने मुझे दिया है और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आपने जिस तरह से सब चीज़ किया है उसके लिए सर आपको थैंक यू और आपके पूरा चैनल को भी और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको, ताकि इस फिल्म को देखें और आपके डायरेक्शन को देखें। फिल्म का नाम तो बता दो। फिल्म का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज। द स्टोरी ऑफ विलेज, इसमें हाँ, जिसमें आप संजय सर कोरियोग्राफर हैं और इन्होंने सब सारा चीज़ें किया। सीताराम सर, अखिलेश सर, सब लोगों ने इन्होंने सिलेक्शन किया, परमिशन लिए और परमिशन लेके लोकेशन को शूट करने का परमिट आउट किए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं कितना बहुत ज़्यादा ऊपर में पहाड़ पे है और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है और बेहतरीन सॉन्ग भी है, बेहतरीन सब लोग हैं, टेक्नीशियन है, सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इन लोगों के साथ में काम करके और खासकर संजय सर के साथ। और थैंक यू यार, वीडियो के साथ साथ भी ये ब्लॉगिंग भी बनाते हैं तो एक तरह से लोगों को एक मैसेज भी जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक सेट ब्लॉगिंग भी बनाया और वर्क भी किया। ब्लॉगिंग बनाने से ये फायदा रहता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कितना मेहनत किया वो सब चीज़ें हमारे पता भी चले कि मेकिंग क्या होता है, कितना मेहनत की है, आपने वो चीज़ दिया है। तो सर मैं ये चाहूँगा कि लोगों इसको देखें, फिल्म में कितनी मेहनत से शूट होती है, धूप कड़ी धूप में और हम कितने पहाड़ पे आए हैं चढ़ के। ये पहाड़ देख सकते हो कितना ऊंचे चढ़ के आए हम लोग। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्म को देखिए, द स्टोरी ऑफ विलेज को, और इसमें हीरोइन नैंसी, क्या नाम उनका, नैंसी सोनी है हीरोइन और डायरेक्टर अखिलेश सम्राट है और कोरियोग्राफर में दो तीन लोग हैं जिसमें संजय सर बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और ओके सर, थैंक यू। तो ये हमारे मिस्टर डायरेक्टर सर से भी मैं एक बात करूँगा थोड़ा सा। सर, मिस्टर अखिलेश सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सर को लेके, सागर भाई को लेके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा। मैं एक दुआ करूं, फिल्म बनाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया, आज इतना ऊंचे पहाड़ पे आ गए, इसके लिए सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप हमारे जनता को बोल दीजिए कुछ अपने बारे में। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी जो मूवी है उसको देखे और प्यार दें, आपको मान सम्मान दें और ये मूवी काफ़ी अच्छी है, पब्लिक को बहुत कुछ सिखाने वाली। कितना टाइम लग गया इसको शूटिंग करते हुए, कितना दिन भी हो गया? लग गया कम से कम 2.5 साल। 2.5 साल लग गया इस फिल्म को रेडी करने के लिए? बाप रे बाप। क्योंकि ये स्टोरी की ऐसी है, कुछ रिसर्च करके ही बनाया गया है इसको, ऐसे नहीं काल्पनिक नहीं है, कुछ ऐसे स्टोरी है जो समाज के लिए। चलो, आपकी 2.5 साल की मेहनत बहुत अच्छा रंग लाएगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का मेहनत देख के। तो सर आप अपना वर्क करिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ये हमारे सर हैं जो हम और भी काम आगे साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी हम लोग मिल चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये नज़ारे पे आप आ सकते हो। थैंक यू, बाय।